हेलो वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की। यहां पर देख सकते हैं कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। अगर आपको ठीक इसके नीचे, इस टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन चाहिए तो आप क्या करते हैं, यहां से कुछ इस तरीके से, ये तो डॉटेड लाइन होगी, अंडरलाइन बनाते हैं। तो आपको शिफ्ट के साथ प्रेस करना होता है अंडरस्कोर का बटन, ठीक है। तो शिफ्ट प्रेस कीजिए और ये अंडरस्कोर का बटन प्रेस करते हुए चले जाइए और यहां तक प्रेस करते हुए आइएगा तो ये अंडरस्कोर लग जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से आप कर सकते हैं। और इसकी मोटाई वगैरह बढ़ानी हो तो ये एक अलग समस्या हो जाती है। तो आप एक काम कर सकते हैं, आप सिंपल इस शिफ्ट के साथ अगर आपको मोटी लाइन बनानी है तो तीन बार अंडरस्कोर प्रेस कीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए। ये देखिए, ये मोटी लाइन क्रिएट हो गई है। अगर आपको पतली लाइन बनानी है तो आपको सिर्फ क्या करना है, देखिए आपको पतली लाइन बनानी है तो आप केवल डॉट वाला बटन तीन बार प्रेस कीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए। तो ये देख पाएंगे कि ये मोटी लाइन के बाद पतली लाइन भी क्रिएट हो गई। ये बहुत ईजी है।